हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। ये है अन अकेडमी का अन अकेडमी यूपीएससी और अन अकेडमी यूपीएससी पर। आज होली के दिन हम लोग मिल रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, है ना। और फेस्टिवल तो एक मौका है, फेस्टिविटीज इज एन अपॉर्चुनिटी, दीज आर एन अपॉर्चुनिटी टू रीड, टू स्टडी मोर, है ना। एक अपने आप को रेजुविनेट करके, अपने आप को रिफ्रेश करके, है ना, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, और ज्यादा बिल्कुल एग्जॉस्टिव स्टडी करने के लिए अपने आप को तैयार करने का मौका है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। कोई कमी नहीं है जोश में, कोई कमी नहीं है इंटेंसिटी में, कोई कमी नहीं है कंटेंट में। आज तारीख है 29th of March और 29th of March के करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं आपके साथ लाइव। आइए फटाफट से देखते हैं कि क्या चीजें हैं आज जो हमें डिस्कस करनी है डेली करंट मास्टर सीरीज में। सबसे पहले मैं आज के करंट मास्टर सीरीज में एंटर करने से पहले आप लोगों को होली के विशेष देता हूं। होली के विशेष बाद में भी देंगे, बट पहले करते हैं पढ़ाई। एक तो बात ये कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर मेगा ऑफर चल रहा है। 31st तक अगर आप ज्वाइन करते हैं, 31st of March तक, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, 1 year सब्सक्रिप्शन है ना, वो 16 months के लिए वैलिड होगा। मतलब नेक्स्ट ईयर July 22 के 31st of July तक वैलिड रहेगा। तो दिस इज अ रियली गुड ऑफर, क्योंकि आप प्रिलिम्स है ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये परेशानी थी कि सर अभी शुरू करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये तो हमारा सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा प्रिलिम्स से पहले ही, तो कैसे तैयारी करेंगे प्रिलिम्स की। तो प्रिलिम्स से पहले तो छोड़िए, प्रिलिम्स के 2 महीने बाद खत्म होगा। नेक्स्ट ईयर प्रिलिम्स जो है वो मई में होने वाला है ना, मई में होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो जुलाई तक रहेगा, मतलब आप 2 महीने मेंस का रिविजन भी कर सकते हैं। मेंस की पढ़ाई तो पहले ही कर लेंगे, प्री प्लस मेंस कोर्स चलेगा, ठीक है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सेशन के एंड में पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट हो आपको। 24 तारीख से एक बैच शुरू हुआ था, 1 तारीख से फिर से शुरू होने वाला है, ठीक है। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। डीएन लाइव कोड है, कोड आपको यही वाला डालना है, तभी आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, है ना। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी जो भी अगर प्लेटफॉर्म पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, स्ट्रेटेजी रिलेटेड कुछ इश्यूज है, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ये आइकॉनिक कुछ भी ले लीजिए। 1 year का सब्सक्रिप्शन 49,000 का है, 2 year का 72 का है। अभी तो 1 year वाला बेनिफिशियल है, 44 पड़ेगा आपको डिस्काउंट के बाद। चलिए फटाफट से टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए डिस्कस करने को। काफी सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग जी, श्रद्धा वर्मा, सृष्टि भट्ट, रामू चौरसिया, पूर्वी, ऑल इन वन, राजेश जादौन, गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग सभी को, पूर्वी, अंकुश, रोमियो, सोनाली, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली। आइए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला अपडेट है आज हमारे यहाँ की, जो हमारे प्लॉट्स होते हैं ना, जमीन आप जिसको बोलते हैं ना, जमीन है ना, अलग अलग जगह अलग नाम से बोलते हैं, कहीं प्लॉट बोलते हैं, कहीं जमीन बोलते हैं। दिल्ली में जैसे जो बिल्कुल देसी के ठेठ लोग हैं वो बोलेंगे जड़ खरीदेंगे हम, मैं भैया ये जड़ क्या होता है, तो बोले कि मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती है ना, तो कुछ लोग फ्लोर्स खरीदते हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स खरीदते हैं। तो अगर बिल्कुल सीधा आपने प्लॉट खरीद लिया तो उसको कहते हैं रूट, जड़। तो जड़ खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, है ना। तो ये जो प्लॉट्स होते हैं, लैंड प्लॉट है ना, इनके लिए अब यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे हमको आपको दी जाती है ना आधार, आधार कितने डिजिट का आईडी है, 12 digit का आईडी है। तो प्लॉट के लिए अब एक आईडी इशू किया जाएगा जो कितने डिजिट का होगा भाई, 14 digit का, है ना। एक 14 digit का यूनिक आईडी होगा ये, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, यूनिक आईडी होगा ये, ठीक है। प्लॉट्स के लिए एक यूनिक आईडी होगा। अब इससे क्या फायदा है सर, इससे क्या फायदा है, देखो इससे सरकार को भी फायदा है और आपको और मेरे को भी फायदा है। सरकार को क्या फायदा है कि सरकार के पास लैंड रिकॉर्ड जो है वो सारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे और सारे, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होंगे। तो किसी भी लैंड डाटा पर एक्सेस करना तुरंत कर सकते हैं, और जब सारा रिकॉर्ड जो है इनका वो प्रॉपर हो जाएगा तो फिर रेवेन्यू में भी किसी, लैंड रेवेन्यू होता है ना सरकार के लिए मेजर सोर्स है लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। आपके और मेरे में लिए ये कैसे फायदेमंद है, जब यूनिक लैंड आईडीज होंगे तो कभी आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि एक जमीन भाई साहब किसी ने, है ना, 2-3 लोगों को बेच दी, वो वाला फंडा नहीं होगा, है ना। एक यूनिक आईडी है जब लैंड की, तो भैया ये आईडी मान लीजिए मानस रंजन को बेच दी गई, ठीक है, ये आईडी शालिनी विश्नोई को बेच दी गई, तो जो शालिनी विष्णु या मानस रंजन को बेच दी गई वो फिर किसी और को नहीं बेची जा सकती। अभी यूनिक आईडी नहीं है तो इसका फायदा उठाते हैं जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, एक ही इसके नाम भी कर देते हैं, उसके नाम भी कर देते हैं, है ना। तो ये सारे फायदे यहाँ पर होंगे। तो ये मार्च 2022 तक ये काम कम्प्लीट हो जाएगा, मार्च 2022 तक, मतलब अभी हम लोग मार्च 2021 में, 1 वर्ष के अंदर ये पूरा कम्प्लीट होने वाला है।
इसका जो नाम है वो क्या है, ULPIN, है ना, ULPIN. ULPIN क्या है भैया, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसा इसका नाम है, है ना. इट विल सब्सिक्वेंटली इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड्स. यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड डाटा होंगे, जो रिवेन्यू कोर्ट का रिकॉर्ड है ना, जो रिवेन्यू कोर्ट में कौन से मामले आते हैं भैया, यही जमीन जायदाद वाले मामले, तो उनके डाटा के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, बैंक रिकॉर्ड के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, आधार के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, मतलब है ना, सारा एक बार में कच्चा चिट्ठा काला चिट्ठा आपका सब खुल जाएगा. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किया जाएगा. यहाँ पर फरवरी के महीने में जब बजट आया था तभी इसकी बात की गई थी, बजट में ही, बजट डॉक्यूमेंट में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट वालों ने इसको कवर नहीं किया है ना, बट अगर आप बजट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो उसी में इसकी बात की गई थी. ULPIN है ना, 14 डिजिट का आईडी होगा फॉर ईच लैंड पार्सल, मतलब हर प्लॉट के लिए. प्रॉपर लैंड स्टैटिस्टिक्स एंड लैंड अकाउंटिंग थ्रू ULPIN विल हेल्प डेवलप लैंड बैंक, है ना, लैंड बैंक, लैंड डाटा बैंक को डेवलप करने में हेल्प करेगा, एंड लीड टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाएगा तो आपको हर प्लॉट के बारे में जानकारी होगी पहले से ही, है ना, जो सेल परचेज करना चाहते हैं उनको हर प्लॉट के बारे में जानकारी होगी, और गवर्नमेंट को तो फायदा है ही. बेनिफिट्स आर टू एंश्योर यूनिकनेस इन ऑल ट्रांजेक्शंस एंड कीप लैंड रिकॉर्ड्स ऑलवेज अप टू डेट. लैंड रिकॉर्ड हमेशा अप टू डेट रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ तो वो अपडेट हो जाएगा उसमें, तो फिर दो लोगों को बेचा नहीं जा सकता. ठीक है, अ लिंक फॉर ऑल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस गेट एस्टैब्लिश्ड, डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज ऑफ लैंड रिकॉर्ड थ्रू सिंगल विंडो, है ना, शेयरिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड डाटा अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल स्टेक होल्डर्स. तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसेस बन जाएगा, है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाएगा, तो ये सारे फायदे यहाँ पर होंगे कि सारा डाटा इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे फिर लैंड से रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो काफ़ी बेनिफिशियल ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. पता नहीं इतने सालों से गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच पाई थी ऐसा, अभी क्यों कर रही है, तो काफ़ी पहले करना चाहिए था ये सब. चलिए खैर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आपको. बाकी लैंड रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा था तो मुझे एक IPS ऑफिसर की एक बुक याद आ गई, आई डो नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, बट उन IPS ऑफिसर की बुक में पीलीभीत, गुड मॉर्निंग, अच्छा पीलीभीत से गुड मॉर्निंग ऐसा कहना चाह रहे, चलिए दिल्ली से गुड मॉर्निंग, है ना, दिल्ली के करोल बाग से गुड मॉर्निंग, है ना, आ जाइए. तो हम बात कर रहे हैं यूनिक आईडी ऑफ लैंड्स की. अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान देना, मतलब लैंड फ्रॉड्स की, मतलब जस्ट एक IPS की बुक में था, कभी आप कोट कर सकते हैं, IPS ने खुद लिखा है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक. जैसे गाजियाबाद है दिल्ली के पास में, उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो कुछ वर्षों पहले गाजियाबाद में किस तरह के लैंड डिस्प्यूट्स होते थे, आई जस्ट शेयर विद यू. मे बी मान लीजिए जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ए है, मतलब क्या फायदा होने का इस आईडी का, ये समझने की कोशिश करते हैं. ये प्रॉपर्टी ए है, है ना, प्रॉपर्टी ए है किसी की, मान लीजिए उस पर्सन का भी नाम ए है, ए की गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है पर ए रहता कहीं और है. मान लीजिए ए बिजनेसमैन है, ए मुंबई में रहता है, है ना, गाजियाबाद में उसका घर है, दादा परदादा के जमाने का या पापा के जमाने का, कोई रहता नहीं, घर खाली पड़ा है, ए मुंबई में रहता है. ठीक है, अब गाजियाबाद में क्या सिस्टम चल रहा था, मतलब लैंड फर्जीवाड़ा का, काफी वर्षों तक चला ये, काफी वर्षों तक पूरा का पूरा रैकेट था. ये जो घर है इस पर कोई एक आदमी एक्स, है ना, कोई एक आदमी एक्स जो है वो क्लेम करता, ये घर मेरा है, है ना, ये घर मेरा है, मैं बेचना चाह रहा हूँ. ठीक है, फिर वाई आ जाता, कहता नहीं घर मेरा है, तो घर है किसी और का, वो तो मुंबई में बैठा है, उसको पता ही नहीं है भाई साहब, है ना. यहाँ एक्स और वाई दोनों इस घर के लिए लड़ रहे हैं, दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि भैया मेरा घर है, है ना, एक्स कह रहा है मेरा है, वाई कह रहा है मेरा है. दो तीन महीने तक कोर्ट का चक्कर चलता था, वाद विवाद चलती थी, दोनों पार्टीज फर्जी पेपर बनवा लेते थे अपने. लास्ट में क्या होता था, इनमें से एक पार्टी कह देता था नहीं भाई साहब मेरा नहीं है, चलिए उन्हीं का है मैं मान लेता हूँ, है ना, उन्हीं का है मैं मान लेता हूँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या मतलब कुछ डील कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्स वाई मान गया, है ना, कि भैया मेरा नहीं है, एक्स का ही है. अब इसके बाद कोर्ट ने फिर कह दिया, कोर्ट को लगा भैया मामले का निपटारा हो गया, कोर्ट ने ठप्पा लगा के कह दिया हाँ भैया एक्स की प्रॉपर्टी है, है ना, ठप्पा लग गया उस पर. तो अब कोर्ट ने कह दिया एक्स की प्रॉपर्टी है, एक्स फिर जाकर घर में बैठ गया. अब उधर से ए आया भगा भगा बुला, अरे मेरा घर है, ये कोर्ट का पेपर दिखा रहा, देखो भैया मेरे पास तो कोर्ट का पेपर है ना. तो इस लेवल का फर्जीवाड़ा चलता है भाई साहब इंडिया में,
है ना, इस लेवल का फर्जीवाड़ा चलता है इंडिया में। अब ये जो है वो बेचारा घूमने जा रहा है हर सरकारी डिपार्टमेंट सरकारी ऑफिस, फिर कोर्ट जा रहा है कि भैया मेरा घर था ये, तो है ना इन दोनों का था ही नहीं, दोनों फर्जी कागज लेके बैठ गए है ना कोर्ट में, गए 2-3 महीने मामला लटका रहा है ना, और फिर एक ने बोल दिया हाँ नहीं मेरा नहीं है दूसरे का है, कोर्ट ने उसके फेवर में, अब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया ना भाई, कोर्ट का ठप्पा लग गया मतलब ठीक है, फिर उसका कब्जा है उस पर, वो रह रहा है वहां पे, है ना। तो इतना खतरनाक, तो ये फायदा, ये सारी चीजें जो है, ये यूनिक आईडी जब आ जाएंगी प्लॉट्स के लिए तब ये सारी चीजें नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। बेगूसराय से हैप्पी होली, मैनपुरी से हैप्पी होली, धन्यवाद जी, है ना। आई होप कि पूरे इंडिया से हैप्पी होली मिल रही है मुझे, और पूरे इंडिया के बच्चों को मेरी तरफ से भी हैप्पी होली। आ जाइए यूनिक आईडी के बाद चलते हैं कोविन प्लेटफॉर्म जो है, कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, शायद सभी लोग परिचित होंगे इससे। कोविन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया गया। कोविन कौन सा प्लेटफॉर्म है? वैक्सीन मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, मतलब वैक्सीन मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट, आप और हम अगर वैक्सीन लगवाना चाहें कोई, है ना, तो वो भी इसी के थ्रू रजिस्टर करना होता है, कोई भी वैक्सीन स्टोर से निकली, हॉस्पिटल आई, हॉस्पिटल में किसी को लगाई गई, ये सारा रियल टाइम बेसिस पर, जैसे आप फ्लिपकार्ट की डिलीवरी देखते हैं ना, ट्रैक कर सकते हैं कि भैया हाँ अभी यहाँ से निकला है, अभी वहाँ आया, अभी यहाँ आया, है ना, तो सारा डाटा जो है वो रियल टाइम बेसिस पर कोविन में, है ना, ट्रैक होता है। तो कोविन जो है वो कोविड वैक्सीनेशन मैनेजमेंट का एक पोर्टल है, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पर डाटा अपडेट होता रहता है कि फिर हाँ फलाने को, मान लीजिए श्रद्धा को वैक्सीन डिलीवर कर दी, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया गया, वैसे श्रद्धा को वैक्सीन डिलीवर कर दी गई, तो बिल्कुल वैसा वाला प्रोसेस है ना कोविन प्लेटफॉर्म। कोविन प्लेटफॉर्म को अभी अपग्रेड किया गया है। अब इस अपग्रेडेशन के बाद, अब इस अपग्रेडेशन के बाद 1 दिन में 1 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। द कोविन प्लेटफॉर्म फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हैज बीन अपडेटेड टू एक्सेप्ट 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ऑफ 50 लाख पर्सन डेली, है ना, रोज प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और 50 लाख लोगों का क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन हो सकता है। तो फ्राइडे तक का अगर हम डाटा को देखें तो एन एवरेज ऑफ 19 लाख इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड डेली फॉर COVID-19, प्रतिदिन 19 लाख लोग पूरे भारतवर्ष में COVID-19 के वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, पर 20.3 लाख लोगों को, है ना, एडमिनिस्टर किया जा रहा है वैक्सीन। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, रजिस्टर कर रहे हैं 19 लाख तो फिर 20.3 लाख को वैक्सीन कैसे लगाया गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। सर 19 लाख लोगों ने रजिस्टर किया और वैक्सीन लग गई 20 लाख, है ना, 20.3 लोगों को, ऐसे कैसे भैया? तो वैक्सीन की डबल डोज लगनी है ना, तो जिस फ्रंटलाइन वर्कर को, पुलिस वाले को, आर्मी वाले को, हेल्थ वाले को, है ना, पहले लगी होगी, वो दोबारा भी तो लगवाना शुरू कर चुका है अब, है ना, इसीलिए वैक्सीन का काउंट कितना चल रहा है, 20.3 पर डे, है ना, लगभग ऐसा चल रहा है अभी। 7 डे का एवरेज देखिए यहाँ पे, है ना, डेली रजिस्ट्रेशन का और डेली एडमिनिस्ट्रेशन का, तो दोनों जो है, दोनों में आपको स्टेडी इंक्रीज देखने को मिलेगा। दैट मीन्स पीपल आर एक्सेप्टिंग द COVID-19 वैक्सीन, है ना, दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट, दिस रिफ्लेक्ट्स एक्सेप्टेशन ऑफ द COVID-19 वैक्सीन, ठीक है भैया। तो भैया अब एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, मतलब भूत आ गया सामने से। चलिए कोविड प्लेटफॉर्म के बारे में 1-2 बातें जान लीजिए। ये काफी यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप है दरअसल, वैक्सीन डाटा के रिकॉर्डिंग के लिए, है ना, इज वर्किंग एज अ बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, है ना, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। बेनिफिशियरी कौन है? आप, हम, है ना, मतलब जिसको भी वैक्सीन लगाया जाएगा। द प्लेटफॉर्म विल बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैक्सीन डाटा एंड विल फॉर्म अ डाटाबेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स टू, ठीक है। तो वैक्सीन डाटा किनको किनको लगाया गया, और साथ ही साथ हेल्थ केयर वर्कर्स का भी डाटा इसमें, है ना, आ रहा है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स का डाटा जो आ रहा है, मतलब जब आप इस पर रजिस्टर कीजिएगा, आपको वैक्सीन लगवाना हो, तो ये भी डाटा आता है इसमें कि आपको वैक्सीन कौन सा पर्सन लगाने वाला है, तो हु विल एडमिनिस्टर वैक्सीन, उस हेल्थ केयर वर्कर का भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आधार इंटीग्रेटेड होता है बिल्कुल, है ना, तो एक ऑथेंटिक प्रोसेस है। द ऐप विल हैव सेपरेट मॉड्यूल्स, है ना, अब इसमें भी लोग वो ऑब्वियसली बात है, वो चावल गेहूँ जैसा नहीं करेंगे ना कि दवाएं लेने चले जाएंगे। हमारे राशन कार्ड में जब तक ये आधार कार्ड का सिस्टम क्या नहीं था, तब तक क्या होता था, जो राशन कार्ड ओनर्स, मैंने राशन कार्ड ओनर नहीं, मतलब जो PDS जिसको वहां पे अलॉट किया गया है, उसकी सांठगांठ होती थी, है ना, बेईमानी इसी तरीके से तो होती थी। एक आदमी ने ले लिया, वो दोबारा ले रहा है, तिहारा ले रहा है ना, और किसी को मिल ही नहीं रहा है। तो वैक्सीन में तो कोई दोबारा भैया हमको दोबारा ऐसा होगा नहीं ना। ऐप विल हैव सेपरेट मॉड्यूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन एंड बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट एंड रिपोर्ट्स। तो हर चीजों का सेपरेट यहाँ पर मॉड्यूल है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, है ना,
आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट और रिपोर्ट्स। वंस पीपल स्टार्ट टू रजिस्टर फॉर द ऐप, द प्लेटफॉर्म विल अपलोड बल्क डाटा ऑन कोमॉर्बिडिटी प्रोवाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग डाटाबेस ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स विच इज इन एडवांस स्टेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, डाटा इज प्रेजेंटली बींग अपलोडेड ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म। तो कोविन प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कोविन प्लेटफॉर्म से संबंधित आ जाए। ठीक है, आधार इंटीग्रेशन भी होता है यहाँ पर, है ना, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे आधार से इंटीग्रेशन भी होता है। चलिए, तो ये बात हो गई कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में। कोविन प्लेटफॉर्म से अगर आगे बढ़े तो हमारे पास अपडेट है वैक्सीन फॉर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, है ना। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसको आप यूएन की शांति सेना कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना होती है, जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइकन रीजन में, मतलब जहां पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी प्रकार का सिविल वॉर चल रहा है, जो भी वॉर टोर्न कंट्रीज है, मतलब जहां पर बहुत, है ना, हो हंगामा शोर, है ना, लड़ाई मारपीट हो चुका है, वैसे कंट्री में शांति बहाल करने के लिए, किस पर्पज से, लड़ाई करने के लिए नहीं, शांति बहाल करने के लिए, मतलब जो यूएन शांति सेना है ना, वो शांति बहाल करने के लिए, मतलब वो वहां जाके धाएं 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 करके शांति बहाल नहीं करेगी, है ना, मतलब दे आर नॉट सपोज टू यूज वेपन्स और आर्म्स, है ना, मतलब एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम केसेस, जब खुद की लाइफ वगैरह बचानी हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जनरली स्पीकिंग दे आर नॉट सपोज टू यूज आर्म्स एंड वायलेंस। ठीक है, तो दे आर नॉट सपोज टू रिजॉर्ट टू वायलेंस। ठीक है, तो इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए इंडिया वैक्सीन दे रहा है, है ना। तो इंडिया हैज डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ 2 लाख डोजेस फॉर कोविड 19 वैक्सीन फॉर यूएन पीस कीपर्स। ठीक है, किसी समय पहले, अब नहीं है इंडिया, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हुआ करता था यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया के, है ना, फोर्सेज जो है वो यूएन पीस कीपिंग का हिस्सा हुआ करते थे। अभी भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स में आता है इंडिया, बट टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटर नहीं है। ठीक है, सेंडिंग अ शिपमेंट बाउंड फॉर कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन कहाँ पे, जल्दी से बताओ मुझे, है ना, कोपेनहेगन का लोकेशन बताओ जल्दी से मुझे चैट में। यूएन पीस कीपर्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल, है ना, एंड द पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू हेल्प कंट्रीज मेक डिफिकल्ट, है ना, मेक द डिफिकल्ट अर्ली ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस, है ना, जब लड़ाई झगड़ा समाप्त होने वाली स्थिति में हो, तो कॉन्फ्लिक्ट से पीस की तरफ जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन फेज में ये काम करता है, है ना, देशों को मदद करता है शांति बहाल करने में अपने यहाँ पे। ठीक है बॉस, चलिए तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स, तो यूएन पीस कीपिंग इज गाइडेड बाय 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, है ना, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब जहां भी, जिस क्षेत्र में गए, मान लीजिए सिविल वॉर चल रहा था, सिविल वॉर में भी 2 पार्टीज होंगे, है ना, या 2 देशों की लड़ाई चल रही थी, तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है वहां पे, है ना, जो भी पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व है उस वॉर में या उस कॉन्फ्लिक्ट में, उन सबका कंसेंट होना चाहिए कि हाँ भैया हम चाहते हैं, क्योंकि कंसेंट नहीं हुआ तो पता चला पीस कीपिंग फोर्सेस को ही उड़ा देंगे, है ना, तो कंसेंट होना चाहिए और इम्पार्शियलिटी होगी, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि रशिया बैक्ड कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों वहां लड़ रहे हैं तो यूएन पीस कीपर वाले किसी को, है ना, किसी के सपोर्ट में काम करेंगे, ऐसा नहीं, इम्पार्शियल होंगे, सभी के कंसेंट से काम होगा सारे पार्टीज के, और फोर्स यूज नहीं किया जाएगा, नन यूज ऑफ फोर्स, है ना, मैंने आपको बताया दे विल नॉट रिजॉल्व टू, है ना, यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, फोर्स यूज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ठीक है, सेल्फ डिफेंस और मैंडेट के डिफेंस के अलावा, है ना, दे विल नॉट रिजॉर्ट टू ढचकियों। अब इस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल है, है ना, तो जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है दैट गिव्स यूनाइन सिक्योरिटी काउंसिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है। इस वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, है ना, वो हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल को जाके देखता है या बोलता है कि भैया देखो यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वही ऑथराइज करता है किसी भी जगह पर पीस कीपिंग ऑपरेशन को। पीस कीपिंग ऑपरेशन को ऑथराइज करने का काम किसका है, यूएन पीस कीपिंग का, हु विल ओवरसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पीस कीपिंग ऑपरेशन को ऑथराइज करने का और ओवरसी करने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल की है। प्रेजेंट स्टेटस की अगर मैं बात करूं इसकी, तो अभी 12 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, है ना,
अभी डिप्लॉय किए गए हैं, है ना, 12 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन अभी विभिन्न जगहों पर डिप्लॉय किए गए। ठीक है बॉस, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो फिर आगे चलते हैं चाइना और ईरान के बारे में। आज सुबह भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ईरान जो है वो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, चाइना के करीब जा रहा है, वही अपडेट है यहाँ पर। आ जाओ देखते हैं, डेनमार्क, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैनपुरी से हैप्पी होली, अरे सर, अरे सर जबरदस्त, आ जाओ। तो मैनपुरी से यादव साहब को भी हमारा हैप्पी होली बोल देना। चाइना एंड ईरान साइंस 25 ईयर स्ट्रैटेजिक पैक्ट, चाइना और ईरान जो है वो 25 वर्षों का स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन कर रहे हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजिक पैक्ट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, क्या है ये स्ट्रैटेजिक पैक्ट? ठीक है, देखो सिंपल सी बात क्या है, चाइना का दुश्मन कौन है? यूएस। और ईरान का दुश्मन कौन है? यूएस, है ना। अब एक ही दुश्मन है तो फिर आपस में दोस्ती तो होगी ना भाई, दोनों का दुश्मन जब एक ही है तो आपस में दोस्ती तो होगी ना, इसी बैकग्राउंड पे दोस्ती हो गई दोनों देशों में। अभी एक इन लोगों ने स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन किया, हालांकि इस स्ट्रैटेजिक पैक्ट में एग्जैक्टली क्या है ये चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, पर मुख्य रूप से यहाँ पर दो तीन चीजों की बात है, उनमें से एक है पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, कुछ स्ट्रैटेजिक यानी कि सामरिक आस्पेक्ट है, और कुछ इकोनॉमिक आस्पेक्ट है। ठीक है, हालांकि डॉक्यूमेंट अभी रिलीज नहीं किया गया है, पर यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं, हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रगाढ़ हो रहे हैं, है ना, रिश्ते कैसे हो रहे हैं, प्रगाढ़ हो रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते जो है वो प्रगाढ़ होंगे। ठीक है, और रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होगा इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, एनर्जी, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होने वाला है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पोर्ट में, एनर्जी में, इंडस्ट्री में और सर्विसेज में। इससे पहले कि मैं आगे और भी चीज़ों के बारे में बात करें, पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं ईरान का, है ना, वेस्ट एशिया मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कितनी बार बोला है। तो दिस इज ईरान, है ना, ये है ईरान बॉस, ये है ईरान, और ईरान में फिर आप आज आपको दिखाते हैं। आज ऐसा मन कर रहा है कि ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए आज, है ना, आज ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए, आज ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए थी, मैं यहाँ मेरे सामने आप लोग, है ना, पहले आराम से पढ़े, है ना, पढ़ते पढ़ते आप लोगों के लिए थोड़ी ठंडाई वंडाई रखवा देता मैं, थोड़े समोसे, है ना, दही बल्ले, ठीक है, तो वो चलते रहते और फिर आप करंट अफेयर सुनते रहते। बोले सर आज नोट नहीं करेंगे, एक दो पॉइंट लिख लेंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं, है ना, पर ऐसा मत करना कि कॉपी ना खोले और पेन, अगर मेरी क्लास में फिजिकल क्लासरूम में तुम बैठो और अगर थोड़ा भी नोट नहीं कर रहे तो फिर मुझे पारा हाई हो जाता है, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो थोड़ा बहुत नोट कर लेना, थोड़े बहुत समोसे खा लेना, थोड़ी बहुत ठंडाई पी लेना, और जब क्लास खत्म होगी तो फिर हम थोड़ी बहुत होली खेल लेंगे, है ना, पर ये तब हो पाता जब कोविड नहीं होता। ठीक है, तो अभी चलिए इसी तरीके से पढ़ लेते हैं, मन को इसी तरह से समझा लेंगे, कोई और चारा नहीं है हमारे। देखो यहाँ पे एल्ब्रुज माउंटेन्स, है ना, यहाँ पे एल्ब्रुज माउंटेन्स, ये जितना ग्रीन इलाका दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, दिस डिनोट्स हाई माउंटेन्स, है ना, एल्ब्रुज माउंटेन्स। यहाँ है जैग्रोस माउंटेन, ठीक है, दो माउंटेन रेंज आपको दिख गया होगा, एल्ब्रुज, है ना, जैग्रोस, एल्ब्रुज जैग्रोस, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है यहाँ के। ये अगर आपने देख लिया तो जरा ये देख लो, पर्शियन गल्फ, है ना, तो ईरान का देखो आप इतना बड़ा सा बॉर्डर जो है वो पर्शियन गल्फ से लगता है, और पर्शियन गल्फ का इंपॉर्टेंस आपको पता है, पर्शियन गल्फ का इंपॉर्टेंस आपको पता है, पर्शियन गल्फ मतलब तेल, पर्शियन गल्फ मतलब तेल, खूब सारा तेल, पर्शियन गल्फ मतलब गैस, तो यहाँ पे खूब सारा तेल और गैस जो है उपलब्ध है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, है ना, एक पोर्ट तो है जिसपे इंडिया, है ना, पहुंचा हुआ है, वो कौन सा पोर्ट है भाई? ग्वादर पोर्ट के पास में, जल्दी से नाम बताओ, ग्वादर पोर्ट के पास में एक जो ईरान का पोर्ट है जहां हम पहुंचे हुए, एक पोर्ट वो है इंपॉर्टेंट। दूसरा जो पोर्ट है यहाँ पर, इसका नाम है बांदर अब्बास, ठीक है, इस पोर्ट को देखो, बांदर अब्बास, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ का। ठीक है, तो बांदर अब्बास है, एक पोर्ट पर इंडिया पहुंचा हुआ है, उसका नाम आप बताएंगे मुझे। चलिए ये देख लो लोकेशन में, एक और चीज देखो तुम लोकेशन में यहाँ पर, है ना, इतना अगर देख लिया तो एक और चीज लोकेशन में यहाँ पे देखो, दैट इज कि इसके नॉर्थ में क्या है, विच इज कैस्पियन सी, है ना, कैस्पियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान का जो बाउंड्री है वो भी देखना चाहिए आपको कि किस किस कंट्री के साथ लग रहा है, मतलब कुछ दो तीन तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनको तो देख ही लीजिए। यहाँ पे ईरान का बाउंड्री लग रहा है इराक के साथ, ठीक है, ईरान इराक का पुराना मामला चलता रहता है। अब इधर कुवैत वैत सऊदी अरेबिया, ये समंदर के पार है, इनको छोड़ दीजिए, वैसे हाँ ये भी सऊदी अरेबिया भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की 36 का आंकड़ा है, है ना, यूएस का एजेंट है सऊदी अरेबिया इस क्षेत्र में, इस रीजन में यूएस का एजेंट है, सऊदी अरेबिया इज एन एजेंट ऑफ यूएस इन दिस रीजन,
ठीक है, और ईरान की ना यूएस से बनती है ना सऊदी से बनती है, ठीक है। यहाँ पे एक जो बॉर्डर है इसका, वो आप नोटिस कीजिए कि अफगानिस्तान के साथ भी है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी है। इसीलिए इंडिया का इंटरेस्ट है ईरान में, है ना, इंडिया का इंटरेस्ट है ईरान में, क्योंकि अफगानिस्तान में पीस हमारे इंटरेस्ट में है। अफगानिस्तान में पीस रहेगा तो फिर हमारे यहाँ तक टेररिज्म है ना जो है वो कम पहुंचेगा। अफगानिस्तान में तालिबान जैसे ग्रुप है, आपको पता है पाकिस्तान का जो ISI है, जो मिलिट्री है, उनका तालिबान के साथ अच्छे प्रगाढ़ संबंध है, है ना, तो बिल्कुल गाढ़े संबंध है, तो उनके गाढ़े संबंध है, तो हमें यहाँ से ठीक ठाक रिश्ता बनाएंगे तो अफगानिस्तान तक एक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो पोर्ट बन रहा है हमारा, है ना, कौन सा पोर्ट, चैट में बताया कि आपने जल्दी से नाम बता दो कौन सा पोर्ट, चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट जो यहाँ पे है हमारा, ये लोकेशन है लगभग चाबहार पोर्ट की, तो चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम अफगानिस्तान तक पहुंच रहे हैं, है ना, क्योंकि क्योंकि जो पाकिस्तान है उधर से, तो हम पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता कि हम यहाँ से अपनी तरफ से कुछ सामान भेज सकें अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर तक पाकिस्तान के माध्यम से सामान ले जा सकता है, पर अफगानिस्तान की जो ट्रक यहाँ से सामान लेकर जाती है उनको पाकिस्तान ये अलाउ नहीं करता कि आप वापस भी सामान लेकर आए इधर से, तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो इंडिया इधर से, है ना, चाबहार तक पहुँच के यहाँ से फिर अफगानिस्तान पहुँचेगा, ट्रेड भी इंश्योर होगी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो इसी ईरान का बॉर्डर जो है वो तुर्कमेनिस्तान से भी लग रहा है इधर, है ना, इधर अजरबैजान से भी लग रहा है, इधर टर्की से भी लग रहा है, मतलब इस ईरान के माध्यम से हम सेंट्रल एशिया भी पहुंच सकते हैं। तो INTC इंटरनेशनल, है ना, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें, है ना, इसके माध्यम से हम रशिया तक पहुँच रहे हैं और फिर यूरोप के कंट्रीज तक पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत, ईरान का जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से भी कनेक्टेड है, सेंट्रल एशिया के माध्यम से हम रशिया तक पहुंच सकते हैं, है ना, और इस तरफ पूरा का पूरा आपका यूरोप है, है ना, तो इसका लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, तो ऑयल तो हम एनर्जी हंग्री कंट्री हैं, बड़ा सारा तेल वगैरह इम्पोर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे खूब सारा प्रोडक्शन होता है। तो ईरान हमारे लिए इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए हम इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईरान, क्योंकि वी आर अ बिग मार्केट। कोई भी उत्पादक है, कोई भी कुछ गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए आप ही किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाते हैं, केक बनाने की बेकरी खोल लेते हैं आप, है ना, तो केक बनाने की बेकरी खोलते हैं तो आप ये भी तो चाहेंगे भैया कि मुझे कस्टमर भी मिले, है ना, अच्छे अच्छे कस्टमर मिले, रेगुलर कस्टमर मिले, बड़े कस्टमर मिले, जो ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करे। तो इंडिया जो है इतनी ज़्यादा आबादी है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा तेल का भंडार वगैरह है नहीं, रिन्यूएबल पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो ईरान क्यों नहीं चाहेगा भैया कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे, पर दिक्कत क्या आ रही है, जो इंडिया और US का जो एक्सेस है वो दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो है मैप वगैरह हमारा, है ना, मैप लोकेशन देख लिया आपने, मैप लोकेशन देख लिया, तो आइए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, थोड़ी और बातें करते हैं, ये जो प्रगाढ़ संबंध बन रहे हैं दोनों के, बैकग्राउंड क्या है, क्यों मतलब इतने जबरदस्त शानदार से रिश्ते बन रहे हैं दोनों, जो है आई लव यू बोल रहे हैं एक दूसरे को, है ना, होली का मौसम है आज, है ना। चलिए तो न्यूक्लियर डील और सैंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो द एग्रीमेंट कम्स अमिड अ मेजर पुश फ्रॉम चाइना टू बैक ईरान विच काउंट्स ऑन बीजिंग इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, है ना, बीजिंग जो कि ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एज इट डील्स विद द कंटिन्यूइंग वेट ऑफ सैंक्शंस रीइंस्टेटेड फॉलोइंग द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम ईरानियन न्यूक्लियर डील। अमेरिका और ईरान के बीच दरअसल एक समझौता हुआ था, है ना, न्यूक्लियर समझौता, पर US के जो अभी पिछले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया, मतलब समझौते से अपने हाथ पीछे खींच लिए और ईरान पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध, है ना, आप और जो US के पार्टनर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप इनसे ईरान से सामान वगैरह नहीं खरीद सकते। तो इंडिया का भी उससे काफ़ी असर पड़ा था, हालांकि फिर इंडिया इज इन नेगोशिएशन विथ ईरान, तो विथ US, तो इंडिया पे भी काफ़ी असर पड़ा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो US के साथी हैं वो तो ईरान का माल खरीदेंगे नहीं, अब बीजिंग कहता है कि भैया मैं ना US का साथी हूँ और मैं तो दुश्मन ही हूँ, तो US की तेरे साथ दुश्मनी है तो मैं तेरा सामान खरीदूंगा। तो बीजिंग जो है, चाइना जो है वो एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है ईरान का, है ना। तो बेसिकली चाइना दिखाना चाह रहा है, जब कोई मोमेंट ऑफ क्राइसिस में होता है ना, आप भी करते होंगे ऐसा कि एक, है ना, ए का एक्स से झगड़ा हुआ, एक्स नाम ही रख दिया मैंने इसका, ए का एक्स से झगड़ा दे दिया, ये जो वाई है ये अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशने लगता है ना,
वाई जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशने लगता है, जाके ए को बोले ले 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 ले, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो वही काम चल रहा है यहाँ पे, है ना, मैं हूं ना, एक्स को भूल जाओ, है ना, एक्स को भूल जाओ, मैं हूं ना, वही काम चल रहा है यहाँ पे। अर्लियर दिस वीक चाइना एंड रशिया, ठीक है, चाइना एंड रशिया कॉल्ड फॉर द यूएस टू अनकंडीशनली रिटर्न टू द ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA एज सून एज पॉसिबल एंड रिवोक यूनिलैटरल सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, है ना। तो रशिया ने और चाइना ने, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों मेंबर हैं, दोनों पावरफुल कंट्री हैं, ऐसा नहीं कि हल्के में ले सकते हैं इनकी बातों को, इन लोगों ने यूएस पर, यूएस को भी तो हल्के में नहीं ले सकते, इन लोगों ने यूएस से कहा है कि आप वापस से जो डील था आपका उसको रिस्टोर कीजिए और ईरान पर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो खत्म कीजिए, ना, ईरान हमारा बाबू है, इस पर सैंक्शन कैसे लगा सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, दिस इज द खिचड़ी दैट इज पकिंग हियर, ठीक है। कानपुर के सभी लोगों की तरफ से आपको और अनअकैडमी परिवार को हैप्पी होली, धन्यवाद जी, ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, तो ये मामला चल रहा है यहाँ पे, समझ में आ गया। इस कंटेक्स्ट में दे प्रपोज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, है ना, यहाँ पे रशिया और चाइना क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म बनाया जाए टू कन्वर्ज न्यू कंसेंसस ऑन रिजॉल्विंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। अब कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाओगे भाई, SCO है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, पर नहीं मानते नहीं है, है ना, शांति वांति बनानी नहीं है इन लोगों को, इन लोगों को दरअसल राजनीतिक रोटी सेकनी। आप कहते हैं ना जैसे देश में ममता दीदी, मोदी जी, इनके बारे में आप कहते रहते हैं राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, तो ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं दरअसल, और कुछ नहीं है। नहीं तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वही बहुत है, अगर किसी को शांति शांति चाहिए, इम्प्लीमेंट करना है, है ना, समझौता करना है, तो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, पर ये हमेशा नए नए संस्था बनाएंगे, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए कि थोड़ा मेरा औकात ज्यादा हो जाए, मेरी औकात ज्यादा हो जाए, सब लगे हुए अपने अपने दौड़ में जी, है ना, धोखा है धोखा। चलिए, तो चाइना और वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, चाइना और वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यीज की जो ऑनगोइंग सिक्स नेशन टूर था, है ना, उस समय ये सारी चीजें एग्रीमेंट हुई थी। मिस्टर वांग इज विजिटिंग सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, यूएई, है ना, बहरीन एंड ओमान। अभी जो मतलब ये स्ट्रेटेजिक पैक्ट हुआ, कब हुआ, मिस्टर यांग जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वेस्ट एशिया के कई सारे देशों में अभी टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। अरे तुमको भी यूएस ने बोला ऑल वेला बच्चा, है ना, यही वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो जो यूएस के दोस्त हैं उसके पास भी जा रहे हैं कि अरे 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 आप तो हमारे भी दोस्त हैं, ऐसा थोड़ी सिर्फ उनके दोस्त, हम भी आपकी कदर करते हैं, सऊदी वादी के पास भी जा रहे हैं, तो दोनों तरह के देशों के पास जा रहे हैं। बेसिकली दे वॉन्ट टू मेक इन रोड्स इन द रीजन, है ना, इन रोड्स मतलब अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जैसे आशियान कंट्रीज के बीच कर चुके हैं, अब यहाँ भी ये लोग अपना, है ना, रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो 5-point इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू किया है इन्होंने, इन रियाद मिस्टर वांग प्रपोज्ड अ 5-point इनिशिएटिव ऑन अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट, है ना, कह रहे हैं कि भैया जो ये मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया है, है ना, मिडिल ईस्ट टर्म जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस वगैरह है, वो लोग यूज करते हैं, है ना, तो मिडिल ईस्ट में हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वी आर एडवोकेटिंग वॉट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अपहोल्डिंग इक्विटी एंड जस्टिस, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, इक्विटी, जस्टिस, अचीविंग नॉन प्रोलिफरेशन, जॉइंटली फॉस्टरिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंटल कॉपरेशन, है ना, विकास की बात करना चाहते हैं, है ना, तो भारत में विकास तो इतना बड़ा हो गया है, अब वेस्ट एशिया में पता नहीं विकास कितना बड़ा होगा। चलिए, तो ये सारी बातें चल रही है, 5-point इनिशिएटिव किसने प्रपोज किया, चाइना ने प्रपोज किया है, विकास की बात कर रहे हैं, क्षेत्र में म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एनहांस्ड कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, नॉन प्रोलिफरेशन की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा नहीं फैले, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए, कंफर्टेबल अप टू हियर जी, आ जाइए अगले अपडेट पर चलते हैं, रेजोल्यूशन 46/L1, है ना। अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये रेजोल्यूशन 46/L1 क्या है आखिर, व्हाट इज दिस रेजोल्यूशन 46/L1, ठीक है। तो रेजोल्यूशन 46/L1 हैज डिसाइडेड अमंग अदर थिंग्स टू स्ट्रेंथन द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स टू कलेक्ट एविडेंसेस एंड डेवलप possible strategies for future accountability process, है ना। आपको समझ में नहीं आया वो क्या चल रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो आपको याद है अभी थोड़े दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले हमने बात की थी कि श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं और उसके लिए UN जो UNHRC है ना, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स
का जो बॉडी है ना, तो यूएनएचआरसी के अंदर यहाँ पर क्या चल रहा था, यूएनएचआरसी के अंदर यहाँ पर एक प्रकार की रिजोल्यूशन लेकर आए वो लोग। रिजोल्यूशन में क्या था, यूएनएचआरसी के खिलाफ जो यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ जो रिजोल्यूशन लेकर आए, उस रिजोल्यूशन में ये बात कही गई कि भैया ऐसा है कि श्रीलंका में ये जो गतिविधियां चल रही हैं इनका विरोध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनाइटेड नेशन है, जो देश है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो श्रीलंका को मना करे कि ऐसा नहीं करना। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जब वोटिंग हुई तो इंडिया ने यहाँ पे वोटिंग से अब्सटेन किया। इंडिया ने वोटिंग से अब्सटेन क्यों किया, क्योंकि इंडिया को श्रीलंका के सरकार से और वहाँ के लोगों से भी रिश्ते खराब नहीं करने थे, पर अगर फॉर्म में वोट देते, मतलब ये बोलते कि हाँ यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वहाँ की सरकार से रिश्ते खराब होते। अगर बोलते नहीं हो रहा है तो जो तमिल लोग हैं वहाँ पे, हमारा जो इमेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इमेज, वो खराब होता, क्योंकि तमिल लोग वहाँ से खूब परेशान हुए, लिट्टे का मूवमेंट चला है, ठीक है। तो अभी तमिलनाडु में चुनाव भी होने वाले, तो इंडिया ने बच के निकला, इंडिया है ना, इंडिया एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग। अब यहाँ पर एक रिजोल्यूशन तो अडॉप्ट हो गया है ना, रिजोल्यूशन 46/L1। तो ये क्या कह रहा है रिजोल्यूशन 46/L1 कि जो ऑफिस ऑफ यूएन, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑन ह्यूमन राइट्स है ना, इसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। श्रीलंका में जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रहे हैं उनके बारे में ये प्रॉपर डाटा कलेक्शन वगैरह करे। इट रेफर्स टू परसिस्टेंट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर राइट्स अब्यूजेस कमिटेड थ्रू ईयर्स बाय ऑल पार्टीज इन श्रीलंका इंक्लूडिंग द LTTA, है ना। बोले कि श्रीलंका में कई वर्षों से ह्यूमन राइट का वायोलेशन हो रहा है ना, सभी पार्टीज ने किया है और उसमें LTTE ने भी किया है। LTTE के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, LTTE लिट्टे जो है उसके बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। लिट्टे वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तमिल इलम की जो बात कर रहा था, है ना, तो श्रीलंका का जो सिविल वॉर था तो उसमें एक तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, दूसरी तरफ लिट्टे थे, है ना। राजीव गांधी जी का डेथ भी इसी कंटेक्स्ट में हो गया था। मोस्ट सीरियसली इट एक्सप्रेसेस अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन कोलंबो टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ की गवर्नमेंट पर, है ना, वहाँ की सरकार पर दरअसल भरोसा नहीं है कि वहाँ की सरकार जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, जो ह्यूमन राइट का वायोलेशन है, उनको एड्रेस कर सकती है, है ना, उनको एड्रेस कर सकती है। तो दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट इन द नेशनल गवर्नमेंट, है ना, इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑब्वियसली। अमंग 14 कंट्रीज दैट एब्सटेंड, है ना, कई सारे देशों ने यहाँ पर वोट नहीं दिया था। इसमें एक इंडिया था, एक जापान था, इंडोनेशिया था, बहरीन है, नेपाल है, इन सारे देशों ने यहाँ पर वोट नहीं दिया था। अमंग द 11 कंट्रीज दैट वोटेड अगेंस्ट, मतलब कुछ देशों ने बोला कि नहीं नहीं यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, सब बढ़िया है, है ना। किसने बोला सब बढ़िया है, चाइना ने कहा सब बढ़िया है, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबा ने बोला सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पाकिस्तान ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। बांग्लादेश ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। रशिया ने बोला और वेनेजुएला ने बोला। तो वेनेजुएला की तो खैर बात ही क्या करें, जिस देश के पास कुछ है ही नहीं वो बोल रहा है यहाँ कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है रोज वो देखो। और कौन कह रहा है, पाकिस्तान, यहाँ ह्यूमन राइट वायोलेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान बेचारा कहे किस मुंह से कि यहाँ ह्यूमन राइट वायोलेशन हुआ है, उसके देश में तो दिन रात यही होता है 24/7। बांग्लादेश का भी यही हाल है ना, बांग्लादेश का भी यही हाल है, तो दैट ऑल्सो। और चाइना तो भाई साहब, है ना, बदमाशों का सरदार है, तो चाइना कैसे कहेगा कि नहीं यहाँ बदमाशी चल रही है, है ना। चाइना तो चाइना वो वाले मोड में है, अरे करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हूँ ना, देख लूंगा, करो, थोड़ी और बदमाशी कर तुम, है ना, थोड़ी और नटखटपन कर लो, अरे थोड़ा सा और चलेगा, है ना। तो चाइना उस वाले मोड में भड़काते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, अरे इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले बोले, अरे कहाँ है, ये तो बालक है, श्रीलंका इतना छोटा सा देश है, काहे का ह्यूमन राइट वायोलेशन, है ना। चाइना उस वाले मोड में है, ठीक है। तो चाइना बेसिकली चाहता नहीं है कि रीजनल स्टेबिलिटी हो। चाइना मे टॉक अबाउट रीजनल स्टेबिलिटी बट दे डू नॉट वॉन्ट रीजनल स्टेबिलिटी। एक्चुअली रीजनल स्टेबिलिटी होगी तो फिर राजनीतिक रोटी कहाँ से की जाएगी, है ना। रीजनल स्टेबिलिटी होगी तो राजनीतिक रोटी कहाँ से की जाएगी। चलिए, दिस इज 8th रिजोल्यूशन ऑन श्रीलंका एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल सिंस द एंड ऑफ वॉर अगेंस्ट द LTTE इन 2009। तो ये 8th रिजोल्यूशन है, मतलब UNHRC इज सो कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट्स कंडीशन इन श्रीलंका, है ना। UNHRC जो है वो बहुत कंसर्न है, बहुत परेशान है, जिसको आप हिंदी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, विचलित है। तो UNHRC यानी कि UNHRC रिप्रेजेंट्स फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न। तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो काफ़ी चिंतित है कि भैया श्रीलंका में चीज़ें ठीक होंगी या ऐसे ही चलता रहेगा वहाँ, है ना, मानवाधिकार का ऐसे ही दिन प्रतिदिन हनन होता रहेगा। इंडियाज रिकॉर्ड ऑफ वोटिंग ऑन दीज रिजोल्यूशन शोज अप्स एंड डाउन्स ऑफ न्यू दिल्ली कोलंबो रिलेशंस।
The pressure on collision in India, the influence of politics and parties in Tamil Nadu and the ebb and flow in the regional and international geopolitics. ठीक है, तो इंडिया का जो वोटिंग है वो तो काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। चलिए तो यहीं पे रुक जाते हैं इसको लेकर, अगले अपडेट पे पहुंचते हैं, है ना। आप बोलेंगे सर आज होली आप खेलने नहीं दे रहे, और खेलने का मजा तब आएगा जब थोड़ा काम करोगे, थोड़ी पढ़ाई करोगे, फिर खेलने में मजा आएगा। फिर मन करे अरे मम्मी एक घंटे तक पढ़ाई करिए, अब थोड़ा ना मुझे वो दही बल्ले खिला दो, थोड़ा वो बिहार के बच्चे होंगे हमारे बिहार यूपी वाले, वो बोलेंगे मम्मी थोड़ा पुआ खिला दो, मालपुआ खिला दो, है ना। बाकी जगह वाले बोलेंगे मम्मी काजू कतली खिला दो, तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ने के बाद आपको, है ना। मैं भी जाऊंगा बस, उसके बाद फिर थोड़े छोले खा लेंगे, है ना, मजे करेंगे, टेंशन नहीं लें। पढ़ना चाहिए भाई साहब, दबा के पढ़ना चाहिए, जब पढ़ो तो फिर दबा के पढ़ो, ठीक है। आइए देखिए, इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते गए ना मोदी जी, है ना, बता के आए कि भैया हम भी गिरफ्तार हुए थे ना, तो मोदी जी भी गिरफ्तार हुए थे जब इंडिया वो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था, तो मोदी जी ऑल्सो वेंट टू जेल, ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट, ओके। अब यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश ने 5 MOU साइन किए हैं, है ना, किन क्षेत्रों में, इन द फील्ड ऑफ 1 डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन भैया बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मैंने शॉर्ट रन में तो फिर भी कम इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि खुल के उस चीज पर बात नहीं हो रही। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कत आएगी तो बांग्लादेश तो डूब जाएगा भाई साहब, है ना, बांग्लादेश जो है वो तो डूब जाएगा। तो 5 MOUs इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, आपदा प्रबंधन, ट्रेड, NCC, ICT, ICT बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड सेटिंग अप ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ड्यूरिंग ऑफिशियल विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब बोलो कि भैया इंडिया स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्यों क्रिएट कर रहा है वहां पर, स्पोर्ट्स में इंडिया का क्या इंटरेस्ट, उससे क्या फायदा होगा, स्पोर्ट्स कौन खेलता है, प्रधानमंत्री खेलेंगी वहां की प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स खेलेंगी या मिनिस्टर खेलेंगे, स्पोर्ट्स आम जनता खेलेगी, है ना, मतलब लोगों के बीच में अपना एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, पीपल कॉन्टेक्ट, गवर्नमेंट टू पीपल कॉन्टेक्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब हम कुछ करना चाह रहे हैं मतलब हम वहां के लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स के डायमेंशन में कुछ करेंगे, कल्चर के डायमेंशन में कुछ करेंगे, मतलब लोगों से को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, है ना, एक गुडविल बनाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में। गवर्नमेंट के बीच में करना हो तो फिर हम कुछ और एक्टिविटीज करेंगे, है ना, पर लोगों के बीच करना हो तो हम इस तरह की चीजें करेंगे कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो ट्रेड वगैरह की बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे। फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटीज फ्रॉम रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाम ध्यान रखना। द बांग्लादेश लेग ऑफ बंगबंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड, बंगबंधु बापू डिजिटल इनॉग्रेशन। इसमें बस दिक्कत एक है, पता है, बंगबंधु का नाम आगे बापू का नाम पीछे, भैया बापू इज द सीनियर मोस्ट ना, बापू के आगे कौन है, बंगबंधु तो यार अभी 71 की बात है, बापू कहाँ 1920 से आंदोलन जीवी हो रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, है ना, बाकी सब ठीक है। चलिए खैर, तो इट विल बी टेकन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग UN। बोथ द लीडर्स ऑल्सो अनवील द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेमोरियल एट कहाँ, आशुगंज, है ना, ऑनरिंग द मार्टियर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन 1971, है ना, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है बॉस। तो जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके भी जो मतलब शहीद वगैरह थे उनको भी लोगों ने रेस्पेक्ट वगैरह पे किया, काफी सारी चीजें चल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया ने यहाँ पर एम्बुलेंसेस, है ना, दिए हैं 109 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस टू बांग्लादेश एंड ऑल्सो 1.2 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड शील्ड वैक्सीन, है ना, तो हम वैक्सीन दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, इसको खुश करना चाहते हैं वहां के लोगों को, ठीक है। थ्री बॉर्डर हार्ट एक ऐसे चीज मतलब प्लेसेस होते हैं जहां पे दोनों जगहों के, है ना, दोनों साइड्स के लोग जो है वो आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और परचेज कर सके, है ना, तो विलेज एरिया जो रूरल एरियाज हैं उनके अलॉन्ग होता है। थ्री बॉर्डर हार्ट्स ऑल्सो ओपन अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ड्यूरिंग द विजिट, अ नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स वेयर मेड। क्या क्या अनाउंसमेंट है भाई, तो एक तो है कि पैसेंजर ट्रेन चलेगा मिताली एक्सप्रेस, है ना, विल रन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी, कौन सा एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम बांग्लादेश टू कनेक्ट विद इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, है ना, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया। 1000, है ना, सुबर्णो जयंती स्कॉलरशिप वेयर अनाउंस्ड टू बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, देख रहे हो, स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, ठीक है, पर्पस क्या समझ रहे हो ना,
पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है। द बंगबंधु चेयर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी टू फैसिलिटेट बांग्लादेश स्टडीज, है ना, बांग्लादेश स्टडीज भी करवाया जाएगा यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके लिए एक चेयर स्थापित किया जाएगा, बंगबंधु चेयर, ठीक है। बोथ कंट्रीज एग्रीड टू स्टार्ट अ न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन इन द सिविल न्यूक्लियर एंड स्पेस सेक्टर, तो इस स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर में भी मतलब काफी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे, वहां पे भी कॉपरेशन होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड द जेशोरेश्वरी टेम्पल, है ना, जेशोरेश्वरी टेम्पल, है ना, इन सथी, क्या नाम है, सतखीरा, है ना, तो यहाँ पे भी पीएम साहब ने विजिट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द अभी जो जो चीजें हुई इंडिया बांग्लादेश में। एक दिन डिटेल्ड क्लास लेंगे इस पे आधे घंटे की, जिसमें इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के जितने इक्वेशंस हैं उसकी बात करेंगे, वो सेपरेट क्लास होगी, सिर्फ उसमें इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। सर के फेस पर दिख रहा वो मैडम को कितना याद कर रहे हैं होली के लिए। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की क्लास कर लिया करो यार, करंट अफेयर्स की क्लास कर लिया करो। चलिए समझ गए, आ जाओ जी। सम एक्सपर्ट्स हैव सेड दीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये क्या हो गया भाई, हाँ, क्रिप्टो करेंसी पे, क्रिप्टो करेंसी पे क्या अपडेट है भैया? तो जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, दे हैव अनाउंस्ड कि कंपनीज विल हैव टू डिस्क्लोज एनी होल्डिंग और डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, है ना। अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लोग अपने जो अकाउंट्स वगैरह में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, अब कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कह रही है कि किसी भी कंपनी के पास कोई होल्डिंग हो, मतलब उनके पास क्रिप्टो करेंसीज हो या वो क्रिप्टो करेंसीज में कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो उनको जो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करते हैं, उसमें दिखाना पड़ेगा, है ना। ऑल कंपनीज विल नाउ हैव टू डिस्क्लोज इन देयर स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल फाइलिंग्स टू द आरओसी, ठीक है। तो सबको अब रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि भैया हमेरा, है ना, क्रिप्टो करेंसी इतना है या इतने में इतना का मैंने ट्रांजेक्शन किया। एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी, कोई भी प्रॉफिट लॉस हुआ, अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी हेल्ड ऑन रिपोर्टिंग डेट, है ना, एनी डिपॉजिट्स और एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। सम एक्सपर्ट्स हैव सेड दैट दीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इंडिकेटेड द गवर्नमेंट इज ओपन टू रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज इंस्टेड ऑफ बैनिंग देम, है ना। अब यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ रही है, वो बट ऑब्वियस है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि भैया अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कीजिए, मतलब गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, गवर्नमेंट आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को बैन वैन करने की बात नहीं करेगी, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी। तो ये एक गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पर क्लियर होता हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। गवर्नमेंट का व्यू क्या है? द गवर्नमेंट्स न्यू बिल क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 एम्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वाइल सेटिंग द स्टेज टू रोल आउट लीगल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की बात यहाँ पर चल रही है। हाउएवर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज सेड दैट सेंटर विल टेक अ कैलिब्रेटेड अप्रोच टू क्रिप्टो करेंसीज एंड विल नॉट क्लोज द विंडो ऑन एक्सपेरिमेंटेशन विद क्रिप्टो करेंसी, तो हम सीरे से इसको खारिज नहीं करेंगे, हम इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगला अपडेट है कि जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है, इसको काफी प्रमोशन मिल रहा है आजकल इंडिया में। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू कर रहे हैं। पीएलआई स्कीम के बारे में आपको मैं काफी बार पढ़ा चुका हूँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब आप उत्पादन करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं पुराने जमाने वाला, हाँ भाई आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दे दी, टैक्स में एग्जम्पशन दे दिया। अब फंडा क्या है, बोले ये सब एग्जेम्पशन नहीं, आप प्रोडक्शन कीजिए तब हम आपको डायरेक्ट कैश इंसेंटिव देंगे, है ना। एग्जेम्पशन से अगर आप फालतू की बात है, आप प्रोडक्शन कीजिए, हमने देखा कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्ट कैश इंसेंटिव देंगे आपको, है ना, मतलब हमने देखा कि परफॉर्म कर रहे हैं आप, है ना, तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, ऐसी वाली बात है। तो इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन हैज रिटन लेटर्स टू द नीति आयोग टू कंसिडर डिक्लेयरिंग 2020-21 एज जीरो ईयर फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल फोन। तो जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर है इसको जीरो ईयर कंसिडर करने कह रहे हैं। पीएलआई स्कीम फॉर ऑल सेक्टर्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड सिंस अप्रैल लास्ट ईयर एनविसेज इंसेंटिव्स ऑन अचीवमेंट ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ कुमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, है ना। क्या कह रहे हैं कि इंसेंटिव्स ऑन अचीवमेंट, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि परफॉर्म करो तब इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव ऑन अचीवमेंट ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड, है ना,
कम से कम इतना होगा तब आपको दिया जाएगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, है ना, इंक्रीमेंटल बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, है ना, नेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनका इंक्रीमेंटल सेल्स प्लस उनका इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, ये होगा तभी इंसेंटिव देंगे। तो भैया अभी तो ये सारी चीजें डाउन चल रही है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर 31 तारीख को खत्म हुआ उसमें तो डाउन चल रही है, तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि भैया इस ईयर को जीरो ईयर कंसिडर किया जाए, नेक्स्ट ईयर से शुरू किया जाए, है ना। सिंस द गवर्नमेंट नोटिफाइड PLI फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑन अप्रैल 1 लास्ट ईयर, है ना, फाइनेंशियल ईयर 21 वॉज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड सेल्स एंड देयरफॉर द इंसेंटिव्स टू बी गिवन टू द कंपनीज। ठीक है, हाउ डज 2020-21, है ना, जो 2020-21 है, हाउ डज 2020-21 बीइंग कंसिडर्ड एज जीरो ईयर विल हेल्प द सेलफोन मेकर्स, है ना, जो मोबाइल फोन कंपनियां हैं उनको कैसे मदद मिलेगी इससे, है ना, उनको कैसे मदद मिलेगी, किस प्रकार की मदद मिलेगी, समझने की बात है भैया, क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। बोले कैलकुलेशन के पर्पज से इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल सेल्स, है ना, जो है, और देयरफॉर द इंसेंटिव्स, सेलफोन कंपनीज हैव अर्ज्ड गवर्नमेंट दैट द करंट फाइनेंशियल ईयर बी कंसिडर्ड एज जीरो ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दे से दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव्स टू बी गिवन अंडर द PLI स्कीम गवर्नमेंट शुड कंसिडर द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट दे विल मेक एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्शन दैट दे अचीव फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो कैलकुलेट करें, इस फाइनेंशियल ईयर का ना कैलकुलेट करें। मोस्ट कॉमन क्लेम इज दैट द लॉकडाउन, है ना, इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द फिस्कल लेफ्ट देम विद वेरी लेस टाइम टू गेट स्टार्टेड विद द बिल्डिंग ऑफ, है ना, एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड यूनिट्स। तो जो पुराने यूनिट्स हैं उनका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ना, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, और प्रोडक्शन में भी इंक्रीज होना चाहिए, मतलब कुछ एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो बोले एक्सपेंशन का टाइम नहीं मिला भैया हमें लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हमें थोड़ा समय दिया जाए, ये बात है यहाँ पे। चलिए तो हाँ, वन हॉर्न राइनो। चलिए तो भैया अभी इलेक्शन का दौरान चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है आसाम में, वन हॉर्न राइनो की बहुत बात हो रही है। ठीक है, दे आर सेइंग कि जो वन हॉर्न राइनो है दे आर प्राइड ऑफ आसाम और हम वन हॉर्न राइनो के प्रोटेक्शन के काम करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ राइनो एज द प्राइड ऑफ आसाम बिगेन ड्यूरिंग आसाम मूवमेंट 1979-85, है ना, उस समय पहली बार बात हुई थी, उस समय बेसिकली दैट वॉज द टाइम जब पहली बार इनिशियल ये मतलब लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग हुई कि वाइल्ड लाइफ जो है उनको थ्रेट है, मतलब हंटिंग वगैरह से उनके नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ थ्रेट के बारे में इस समय लोगों ने रियलाइज किया था। उस समय आसाम मूवमेंट जब 79 में शुरू हुआ तो राइनो को हम प्राइड ऑफ आसाम कह के बोलने लगे। तो द राइनो स्टार्टेड इमर्जिंग एज अ प्लेयर इन द पॉलिटिकल नरेटिव ऑफ आसाम एज इट्स पोचिंग वॉज किल्ड, है ना, इट्स पोचिंग वॉज लिंक्ड टू द कंट्रोल ऑफ इंडिजिनस पीपल ओवर लैंड रिसोर्सेज एंड इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो जो राइनो की पोचिंग है उससे फिर लोग जोड़ने लगे कि हम भैया हमारी जमीन है, है ना, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं दे टॉक अबाउट दिस ना, जल जंगल एंड जमीन। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया वहां का राइनो, है ना। अकॉर्डिंग टू द राइनो सेंसस ऑफ 2018 देयर आर 2413 राइनोज इन काजीरंगा अलोन, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है फेमस फॉर द बिग फाइव, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर द बिग फाइव, वहां पे मात्र काजीरंगा में 2413 राइनोज हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा के अंदर 2413 राइनोज हैं। ठीक है, इट इज कॉमन फॉर एवरी पार्टी, है ना, कंटेस्टिंग इन द बोका खाट एंड कालीबोर, है ना, द टू कंस्टिट्यूएंसीज ओवर मोस्ट ऑफ काजीरंगा, है ना, यहीं पर काजीरंगा है आपका, दैट दे विल क्लेम कि हम लोग जो है राइनो का प्रोटेक्शन करेंगे। इंडियन राइनोसेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और ग्रेट इंडियन राइनोस। ठीक है, इट इज अ राइनो स्पीशीज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ का नेटिव है, IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडियन राइनो, नंबर्स में काजीरंगा ज्यादा है, डेंसिटी की बात करेंगे तो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वाइल्ड लाइफ। चलिए ये बात हो गई जी, कुछ प्रिलिम्स से रिलेटेड फैक्चुअल्स देखते हैं। पहला अपडेट है कि जो कुछ माइग्रेंट बर्ड्स का डेथ हुआ है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में कुछ माइग्रेंट बर्ड्स का डेथ हो गया है,
तो इसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल। ठीक है, ऑफिशियल्स का क्या कहना है कि भैया ये एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, अभी रिपोर्ट्स नहीं आए। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में हम पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, है ना, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया, इसलिए आज मैं दोबारा से एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, है ना। यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है दैट इज दिस पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो पोंग डैम के बारे में भी और एवियन के भी बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया, इसलिए आज हमने उसको दोबारा डिस्कस नहीं किया, बट बस ध्यान रखना है कि पोंग डैम में ये अभी नोटिस किया गया है। ठीक है, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर माइग्रेटरी बर्ड्स आर ऑन देयर वे बैक, है ना, टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन सेंट्रल एशिया। अभी ब्रीडिंग ग्राउंड जो है उनका सेंट्रल एशिया है, वहाँ पे वापस जा रहे हैं। सम ऑफ देम मे बी इन्फेक्टेड बिकॉज इम्यूनिटी लेवल्स आर लो एज दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वेटलैंड्स, है ना। इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम है, अलग अलग वेटलैंड से आ रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, पोंग डैम वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए आ जाइए इस पर आ जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी, है ना, आप वो जो हमारा पहले का सेशन है, एक बायोलॉजी पे, एक बायोलॉजी कह रहा हूँ एनवायरमेंट पे एक सेशन लिया, तो वो आपने देखा था क्या, सी वीड वगैरह जिसमें बताए थे, सी ग्रास, सी वीड, आई डो नॉट नो आप में से कितने लोगों ने देखा होगा। तो ये दो नए सी वीड के स्पीशीज, है ना, दो नए सी वीड के स्पीशीज डिस्कवर किए गए हैं बाय ग्रुप ऑफ मैरीन बायोलॉजिस्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, है ना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के साइंटिस्ट ने दो नए स्पीशीज, दो नए प्रजातियां डिस्कवर की हैं, किस चीज़ की, सी वीड की, है ना। तो हाइपनिया इंडिका एक का नाम है आफ्टर इंडिया और दूसरा का नाम क्या है, हाइपनिया बुलाटा, है ना। तो नेम्ड हाइपनिया इंडिका आफ्टर इंडिका एंड हाइपनिया बुलाटा बिकॉज ऑफ ब्लिस्ट्राइक लाइक मार्क्स ऑन इट्स बॉडी, सी वीड्स आर पार्ट ऑफ द जीनस हाइपनिया और रेड सी वीड्स, है ना। वाइल हाइपनिया इंडिका वॉज डिस्कवर्ड, है ना, कहाँ, इन कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है, एंड सोमनाथ पठान, ठीक है, एंड शिवराजपुर इन गुजरात, ठीक है। हाइपनिया बुलेटा वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम कन्याकुमारी दीव आइलैंड एंड दमन एंड दीव, ठीक। दे ग्रो इन इंटरटाइडल रीजन्स, ये ध्यान रखिएगा, ग्रो कहाँ पे कर रहे हैं, इंटरटाइडल रीजन्स पे, ठीक है। चलिए तो और कुछ खास बात है नहीं, इंटरटाइडल रीजन्स में ग्रोथ है, अभी नए नए खोजे गए हैं, नाम ध्यान रखिएगा उतना काफ़ी है। हाँ, मैत्री, अब ये क्या, एक नया राग कंपोज किया गया, मैत्री इज अ न्यू राग, है ना। जो बर्थ सैनिटरी ईयर चल रहा है बंगा बंधु का, सिख शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो रिनोन्ड वोकलिस्ट पंडित अजय चक्रवर्ती, है ना, पंडित अजय चक्रवर्ती, ठीक है, हैज कंपोज अ न्यू राग नेम्ड मैत्री एज अ ट्रिब्यूट टू बंगा बंधु। द न्यू राग इज डेडिकेटेड टू बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान विथ एलिमेंट्स ऑफ मैत्री और इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पर बेस्ड है, मैत्री मतलब बंगला लैंग्वेज में होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। न्यूली कंपोज राग इनकॉर्पोरेटिंग द क्लासिकल रूल्स फॉर कंपोजिशन ऑफ राग, थ्री कंपोजिशंस विल बी प्रेजेंटेड विच आर रिटन इन संस्कृत, हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेजेस। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स, मैत्री इज अ न्यू राग कंपोज्ड एज अ ट्रिब्यूट टू बंगा बंधु, इतना याद रखना, ठीक है। नया राग है, क्लासिकल लाइन्स पर बनाया गया है, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के ट्रिब्यूट के लिए, क्योंकि उनके, है ना, 100 ईयर्स हो रहे हैं डेथ बर्थ एनिवर्सरी के। चलिए तो दैट इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास के बीच में ही होली लगा दी सब मेरे को, यहाँ भी दरवाजे पे आ गए थे अभी, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भाई साहब अभी उधर नमस्ते करूंगा तो फिर लगा देंगे। चलिए तो अच्छे से होली मनाइए, मजे कीजिए आप लोग, है ना, और अपने अपने घरों में हैं आप लोग तो फिर अपने अपने घरों में रहते हुए मेरी तरफ से भी होली के रंग लगा लीजिए, और दैट विल बी अल्टीमेट गिफ्ट, एंड डू शेयर विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, ना इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करना, ठीक है। होली के रंग लगाने आपको मेरी तरफ से, और मम्मी ने जो भी बनाया हो थोड़ा एक्स्ट्रा खाना है मेरी तरफ से, बोले ये सर का हिस्सा है, ये मैं खाऊंगा या ये मैं खाऊंगी, ठीक है। दिस इज़ फॉर माई सर एंड एज ही इज़ नॉट हियर आई विल बी हैविंग इट, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू टूडे, शेयर योर पिक्स ऑन इंस्टाग्राम, टैग मी, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू टूडे, है ना। एंजॉय योर टाइम, हैव फन, रिफ्रेश योर सेल्फ, रिजुविनेट योर सेल्फ, खूब मजे करना, है ना, खूब एंजॉय करना, दिन भर खूब एंजॉय करना, क्योंकि रात में फिर से पढ़ाऊंगा, रात में 9 बजे के आसपास फिर से पढ़ेंगे, एक क्लास करेंगे, है ना। तो दिन में खूब एंजॉय कीजिए, पर आप लोग भर के, जी भर के, जिसको बोलते हैं ना,
एकदम गदर कर दो, गदर मचा दो, खूब एंजॉय करो, खाओ पियो मजे करो, जो भी खाओ मेरे हिस्से का भी खाना है ना, जो भी रंग लगाओ मेरे हिस्से का भी लगाना है, और फिर क्या करना है, इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, मुझे टैग करना है, ठीक है। तो फिर आप लोगों के साथ साथ होली थोड़ी मेरी भी बन जाएगी, डिजिटल होली, ठीक है बॉस, मैं भी खेल लूँ, खेल लेंगे जी। चलिए 4 बजे पार्टी है सर, ये सब लोग चलो चलिए, अच्छा 4 बजे पार्टी है सर के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुकेश कुमार, हाय मुकेश, हैप्पी होली श्रद्धा, आकाश को भी हैप्पी होली, पल्लवी को भी, संचिता दुलोन को भी, राजेश को भी, मैडम मिल जाए होली पर, मैडम के पीछे क्यों पड़े हुए तुम लोग, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, ए बी मोटिवेशन, अरे एक्चुअल नाम लिख लो ना, पता ही नहीं चलता, पूरा कीबोर्ड बर्बाद हो गया। एनवायरमेंट टेस्ट कर लेंगे, आप होली मना लो आज, एनवायरमेंट टेस्ट भी कर लेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। फरकान अंसारी, आपको भी हैप्पी होली जी, अंसारी साहब, ठीक है, होली मनाइए, और होली मनाने के बाद आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का मन हो तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 31 तारीख तक यू हैव द न्यू ऑफर, दिस इज द कोड दैट यू नीड टू यूज, बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आराम से होली मनाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम को 9 बजे के आसपास, को एक क्लास रखते हैं, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, पर दिन भर जबरदस्त मजे से एंजॉय करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडी।